जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये चार महीने हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार और अगर मैं पाश्चात्य संस्कृति की बात करूं तो उनके अनुसार भी एक नेगेटिव एनर्जी के जनरेट होने का सूचक होती है। ये चार महीने बहुत ज़्यादा हमारे इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ चलती है और ये नेगेटिव एनर्जी किसी भी रूप में हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है और फिर हमारी बनती चीज़ें खराब होने लगती हैं। जैसे कि तंत्र, मंत्र, नज़र, टोना, टोटका, ये सारी चीज़ें इस समय प्रबल रूप से कार्य करती हैं। इसी समय बहुत सारे त्यौहार आते हैं, बहुत सारी ऐसी तिथियां आती हैं जब ये चीज़ें इंसान अपने ऊपर से उसार कर या वार कर दूसरे के लिए छोड़ देता है। चौराया लांग दिया, बहते हुए जल में अगर कुछ प्रवाहित है वहाँ पर हमने स्नान कर लिया तो वो चीज़ हमको लग गई, लेकिन ये हर किसी को नहीं लगती। ये केवल उन लोगों को लगती है जिनके गण कमज़ोर होते हैं, जिनका राहु एक्टिव होता है या जो बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को ये चीज़ बहुत जल्दी सताती है। जो हनुमान जी का, जो भैरव जी का, जो माँ काली का नित नियम से पूजन करते हैं उन लोगों को ये चीज़ें कभी भी परेशान नहीं करती। अगर आप अपने जीवन के अंदर नियम से शनिवार मंगलवार का दान करते हैं तो ये चीज़ें आपको कभी भी परेशान नहीं करती। पर आपके घर में किसी के साथ ये चीज़ है, ये आपको कैसे पता लगेगा? कुछ संकेत, कुछ ऐसे चिन्ह जो आपको ये बता दे कि किसी के साथ नकारात्मक शक्तियाँ चल रही हैं। आज इसी के बारे में मैं आपको बताने आई हूँ। बताने से पहले आपको ये बताऊँगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। पहली निशानी जिससे पता चलेगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र, मंत्र या नज़र टोटका है, ऐसा व्यक्ति अचानक से बदल जाएगा, उसका नेचर चेंज हो जाएगा, उसकी सोच बदल जाएगी। कहाँ वो आपसे बहुत सात्विक, बहुत अच्छी बातें करता था और अचानक से वो बहुत सेल्फिश हो गया, सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है, सिर्फ अपने फायदे की बात कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसी कोई चीज़ होगी उसकी चाल ढाल बदल जाएगी। ऐसा व्यक्ति रातों को ज़्यादा जागेगा और दिन में सोना ज़्यादा पसंद करेगा। ऐसा व्यक्ति रात के समय नहाना ज़्यादा पसंद करेगा। ऐसे व्यक्ति को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसा व्यक्ति खाना कैसा भी खा सकता है, उसे मीठा, तीखा, कोई कंप्लेन नहीं होगी, बस उसे खाना चाहिए जितना भी आप उसे दे सकते हैं। ऐसा व्यक्ति शाम के समय बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के आसपास अगर आप किसी प्रकार का मंत्र चला दें, कोई पूजा पाठ कर लें, तो वो एकदम से आपके ऊपर बिखर जाएगा, आपसे लड़ेगा, झगड़ेगा, गुस्सा करेगा कि ये आखिर क्या करा आपने। ऐसा व्यक्ति बीमार बहुत जल्दी जल्दी होगा। ऐसे व्यक्ति की स्किन पर पैचेस बहुत आ जाएंगे। ऐसे इंसान के स्किन का रंग बदल जाएगा। ऐसा इंसान या तो बहुत मोटा होगा और अचानक से पतला हो जाएगा, या पतला होगा अचानक से मोटा हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति रात को अकेले में बैठकर अपने आप से बातें बहुत करेगा। ऐसे व्यक्ति की आंखें अक्सर लाल रहना चालू हो जाएंगी। ऐसे व्यक्ति को लार बहुत आएगी। ऐसा व्यक्ति बातों बातों में आप पर चिल्ला बहुत देगा। ऐसा व्यक्ति किसी का भी लिहाज नहीं करेगा कि कोई बड़ा है, कोई बहुत सम्माननीय है, उसको जो बोलना है, जो कहना है वो कह देगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होने लगेगा और ऐसे व्यक्ति को शाम के बाद पीठ के अंदर दर्द रहने लगेगा, कंधे भारी होने लगेंगे। ऐसा व्यक्ति सुबह उठकर बहुत आलसी प्रवृत्ति का नज़र आएगा, उसका सिर बहुत भारी भारी रहेगा और उससे हमेशा ऐसा लगता रहेगा जैसे मुझे नींद आ रही है। ऐसे व्यक्ति को आप कोई भी काम कहेंगे तो वो आपकी स्वेच्छा से काम नहीं करेगा, वो अपने मन से काम करेगा।
ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर ब्लैक कपड़े पहनना पसंद करेगा। ऐसे व्यक्ति को ज़्यादातर मेहरून कपड़े पसंद आएंगे। ऐसा व्यक्ति भूरे कपड़े ज़्यादा पहनेगा, नीले कपड़े ज़्यादा पहनेगा। ऐसे व्यक्ति को दूसरों के साथ बैठकर बातें करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। अजनबियों से बातें करवा लीजिए, अड़ोसी पड़ोसियों से बातें करवा लीजिए, लेकिन घर के सदस्यों के साथ उसे बिल्कुल भी बात करना पसंद नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति के नाखून अचानक से बढ़ने लगेंगे और बहुत जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। आज काटे फिर दो दिन में बढ़ गए। ऐसा व्यक्ति अपने बालों को कटवाने से कतराएगा। ऐसा व्यक्ति अपने बालों को हमेशा ऐसे ऐसे करके खुजाएगा। ये सारे सिम्टम्स किसी के ऊपर होने वाले तंत्र मंत्र नज़र टोटके की निशानियां हैं। आपके इर्द गिर्द रहने में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको तुरंत प्रभाव से चेक करना चाहिए और इसका इलाज करना चाहिए। इलाज करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या किसी अच्छे जाने माने ज्योतिष से या किसी अच्छे ऐसे व्यक्ति से जिसे क्रियाएं करनी आती हैं उससे बात कर सकते हैं। पर नियमित रूप से जो आपको काम करना है वो ये, ऐसे व्यक्ति के सामने किसी भी मंदिर जाने की बात मत करिए। ऐसे व्यक्ति के सामने कोई भी पूजा पाठ की बात मत करिए। ऐसे व्यक्ति को कभी मत बोलिए कि ये प्रसाद है खा लो। ऐसे व्यक्ति के सामने आप उसको कभी भी पूजा में बैठने के लिए फोर्स मत करिए। चुपचाप आपको किसी भी मंदिर में जाना है, थोड़ा सा गंगा जल आपको वहाँ पर ईश्वर को अर्पित करना है, वापस वो गंगा जल ले आना है और लाकर उसे नॉर्मल पानी में मिलाकर उस व्यक्ति को पिलाना है। दूसरा उपाय, ऐसे व्यक्ति के पलंग के नीचे आपको हल्दी के 5 टुकड़े ज़रूर रख देने चाहिए या गांठ रख दीजिए। ऐसे व्यक्ति के बेड के आसपास आपको सिंदूर लाल कपड़े में बांधकर ज़रूर रख देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को आप किसी भी तरीके से कोशिश करिए कि उसके मस्तिष्क पर या उसकी नाभि पर आप केसर लगा पाएँ। ये छोटे छोटे काम हैं, ज़रूर कर लीजिए। इससे आपको उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे परिवर्तन नज़र आएंगे। बाकी इन चीज़ों को बिना किसी विशेषज्ञ के छेड़िएगा मत, नहीं तो कहीं और नुकसान ना हो जाए। मैं फिर आऊँगी कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ भी जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।